व्यापार मंडल ज्वालामुखी अध्यक्ष अनीश सूद की अगुवाई में बुधवार को जल शक्ति विभाग के SDO कार्यालय दरंग में व्यापारियों सहित पहुंचे। उन्होंने जल शक्ति विभाग के SDO प्यारे लाल को ज्ञापन सौंपकर शहरवासियों और व्यापारियों के लिए मांग रखी कि 3 वर्षों के बिल पीने के पानी के जो विभाग ने 1 साथ शहरवासियों को दिए हैं, उन्हें देने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए और पेनल्टी ना लगाई जाए, जिससे कि शहरवासियों और व्यापारियों को बिल का भुगतान करने में कोई भी असुविधा ना हो और भविष्य में भी ज्वालामुखी शहर के पानी के बिल को हर वर्ष महीने दर महीने देने की व्यवस्था विभाग द्वारा बनाई जाए, ताकि ऐसा संकट दोबारा ना आए। प्रधान अनीश सूद ने इस मौके पर विभागीय अधिकारियों के सामने शहर की पानी की समस्याएं भी रखी, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी को झेलना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने मांग रखी कि शहर में जितने भी पानी के पाइपों में लीकेज हो रही है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए, ताकि पानी व्यर्थ ना बहे और लोगों की जरूरत पूरी हो सके। वहीं विभाग के SDO प्यारे लाल ने व्यापार मंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि शहर वासियों और व्यापारियों के लिए विभाग की ओर से कोई भी असुविधा ना हो, इसका पूरा प्रयास रहेगा और पानी के बिलों के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय जो मांगा गया है, उच्चाधिकारी के समक्ष यह मामला ले जाकर के समस्या का समाधान करके व्यापार मंडल के आग्रह पर शहरवासियों और व्यापारियों को राहत दी जाएगी। इस मौके पर सूक्ष्म सूद, प्रदीप सूद, राजू जट, नरेश कुमार, देशराज राजू, अंकुलेश, पंकज सोनी, अभिजीत पाधा, कपिल भी मौजूद रहे। मामला ये है कि ज्वालामुखी के व्यापारियों वे शहरवासियों के पानी के जो बिल हैं वो 3 वर्ष के बाद मिले। हजारों रुपए का बोझ व्यापारियों पे और शहर नागरिक पे पड़ा। कोरोना काल में 1 साल व्यापार पूरा बंद रहा। ये आप सभी भलीभांति जानते हैं कि दुकानें, रेस्टोरेंट, ढाबे, छोटी मोटी चाय की दुकानें ये सभी बंद रही और जल शक्ति विभाग ने हमें उसका बिल भी साथ में दे दिया। हमारा जल शक्ति विभाग से अनुरोध है कि जो कोरोना काल में पानी का बिल आया था उसे माफ़ किया जाए और जो हमारी बाकी मांगे थी वो जल शक्ति विभाग के SDO श्री प्यारे लाल जी ने मान ली है। हमें आश्वासन दिया है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।